डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट करवा दिया था हमने पिछली बार। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ प्लास्टिड्स, ये दोनों के दोनों सेल ऑर्गेनल्स ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिनको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो इन सेल ऑर्गेनल्स में एक नाम प्लास्टिड का भी है। प्लास्टिड को सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किया गया वो किसके, जो प्लास्टिक टर्म फर्स्ट यूज किया गया है के द्वारा था नाम टर्म प्लास्टिक वाज फर्स्ट यूज्ड बाय हैकी। और जो क्लोरोप्लास्ट जो टर्म है सबसे पहले यूज किया गया था सिंपल के द्वारा। ये दो नाम आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, कौन कौन से, हैकी का एंड दूसरा जो है वो सिंपल का, ठीक है। प्लास्टिड्स जो है सभी प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, इसके साथ साथ ये यूग्लिनॉइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ये इजीली ऑब्जर्व होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप क्योंकि ये साइज में काफी बड़े होते हैं। इनमें सम स्पेसिफिक पिगमेंट होता है, इस वजह से इनका स्पेसिफिक कलर होता है प्लांट्स में। इस पिगमेंट के बेसिस पर हम प्लास्टिड्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो लियोप्लास्ट हो जाएगा, एक क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा और एक क्लोरोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होंगे वो कैसे होंगे, कलर्ड होंगे। क्लोरोप्लास्ट कैसे होंगे, ग्रीन कलर के होंगे। अगर लियोप्लास्ट की बात करें तो लियोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, कलर्ड ना होंगे कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। और इनका मेन जो फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। अब ये तीन टाइप के हो सकते हैं। एमाइलोप्लास्ट जो होगा जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोरेज करेंगे, दैट इज स्टार्च को, और एग्जांपल हो जाएगा पोटैटो। एलायोप्लास्ट जो होंगे वो स्टोर करेंगे ओएलएन फैट्स का, एग्जांपल हो जाएगा कैस्टर सीड्स, जो कैस्टर के सीड्स होते हैं उनमें ये होगा। और एल्यूरोप्लास्ट है जो स्टोर करेंगे मेज को, सॉरी जो स्टोरेज करेंगे प्रोटीन का, और एग्जांपल हो जाएगा मेज। ये तो बात हो गई अबाउट द लियोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट जो होंगे वो कलर्ड होंगे और ये प्रेजेंट होगा फ्लावर्स में जो कि कलर्ड होंगे, और रिपेंट फ्रूट में ये प्रेजेंट होंगे। क्लोरोप्लास्ट दो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो रोडोप्लास्ट होंगे और एक फ्यूप्लास्ट। कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप। एक तो हो जाएंगे रोडोप्लास्ट और दूसरा बता रहे हैं आपको फ्यूप्लास्ट। फ्यूप्लास्ट रोडोप्लास्ट की बात करें तो ये किसमें होंगे, ये प्रेजेंट होंगे इन रेड एल्गी, ये रेड एल्गी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। रेड एल्गी किसमें आती है, फ्यूफाइसी में पढ़ाया था आपको, ठीक है। और जो फ्यूप्लास्ट होंगे ये प्रेजेंट होंगे कहां, ये होंगे इन ब्राउन एल्गी, ये प्रेजेंट होंगे ब्राउन एल्गी में। और ये रोडोफाइसिन है, जो रोडोप्लास्ट किस्म होंगे ये लिखो रोडोफाइसिन, ये हो जाएगा रोडोफाइसिन और ये हो जाएगा फ्यूफाइसिन। फ्यूप्लास्ट जो होंगे वो फ्यूफाइसिन में पाए जाएंगे, ठीक है। रही बात क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट को विद स्ट्रक्चर के बता दे रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट। क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, एक मेम्ब्रेन ये हो गई आउटर, ये ऊपर वाली आउटर हो गई, अंदर वाली इनर हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया, इसके अलावा इनके अंदर पॉइंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, इनको हम थैलेकॉइड्स कहेंगे। ये एक दूसरे से अटैच होंगे फैट्स के द्वारा, ऐसे करके आप इनको दिखा सकते हो। इसमें क्या होगा, इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होगा और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट।
ये राइबोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स आर ऑफ 70S टाइप। राइबोसोम्स कैसे होंगे 70S टाइप, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट थे। इस एक पार्ट को हम कहेंगे ग्रेनम, क्या कहेंगे ग्रेनम कहेंगे, और दो या दो से अधिक को क्या कहेंगे ग्रेना कहेंगे। इसके अंदर जो भरा होगा उसको हम कहेंगे स्ट्रोमा, क्या कहेंगे उसको स्ट्रोमा कहेंगे। और एक जो स्पाइन स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे थायलाकॉइड्स, इसको कहेंगे थायलाकॉइड। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है एटलीस्ट। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर हो गई किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। अब क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में आपको दो चीजें याद रखनी है बेसिकली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो ग्रेना, दूसरा हमने बताया क्या स्टोमा। ग्रेना में प्रोटो फोटोसिंथेसिस की कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ग्रेना, व्हाइल डार्क रिएक्शन जो लाइट रिएक्शन है वो आपको याद जरूर रखना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हो गई इसकी। अब बात करेंगे अबाउट द फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनता है, ऑर्गेनिक फूड प्लांट्स बना लेते हैं, दैट इज ग्लूकोज। तो ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो बिगर इसके पॉसिबल नहीं है, इट टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। दीज स्टोर द स्टार्च इन द प्रोटीनेसियस बॉडीज कॉल्ड पाइरिनोइड्स। जो एल्गी होते हैं, एल्गी में जो स्टार्च होता है वो प्रोटीनेसियस बॉडीज में स्टोर किया जाता है, जिन स्ट्रक्चर्स को हम पाइरिनोइड्स कहते हैं, जो कि एल्गी में देखा जा सकता है। तो ये तो बात हो गई अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। तो हमने आपको आज क्या क्या बता दिया, आपको सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताई वो क्या बताई, कास्टेट्स जो है वो सभी प्लांट्स में, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ वो यूग्लिनोइड्स जिसमें यूग्लिना आता है, यूग्लिना के बारे में आपने सुना होगा, यूग्लिना को आप बोल सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि प्लांट का सबसे मेन जो फीचर है, प्लांट्स जनरली ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो इसीलिए यूग्लिना भी अपना फूड खुद बना सकता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसके बाद हमने सबसे पहले आपको बताया था वो हैकेल, हैकेल वो पहले थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्लास्टिड्स टर्म को यूज किया था और क्लोरोप्लास्ट टर्म को यूज किया था फर्स्ट टाइम सिंपल में। ये दो नाम आपको याद होने चाहिए, प्लास्टिड्स में पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से इनको हम तीन में डिवाइड कर सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होंगे वो कलरलेस होंगे, क्रोनोप्लास्ट होंगे वो कलर्ड होंगे, जबकि क्लोरोप्लास्ट जो होंगे वो बिकम्स ग्रीन होंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। दिस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से ऐसा होगा। अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट जैसा कि हम बता चुके हैं कलरलेस होगा, स्टोरेज करेगा फूड का, और एमाइलोप्लास्ट जो होगा किसको स्टोर करेगा, वो स्टोर करेगा स्टार्च दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम एलायोप्लास्ट की बात करें वो स्टोर करेगा ऑयल, ठीक है, एंड फैट्स को, और एलियोप्लास्ट जो होंगे वो स्टोर करेंगे प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा मेज, मेज इज द एग्जाम्पल। अब बात करेंगे अबाउट द क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट के पहले हमने क्रोमोप्लास्ट आपको बताया था, क्रोमा मींस होता है कलर, तो ये कलर्ड होंगे और ये प्रेजेंट होंगे फ्लावर्स में या फिर जो रिपेंट पके हुए जो फ्रूट्स होंगे, फ्रूट्स होंगे उनमें ये प्रेजेंट होंगे। और एक चीज हमने जो आपको बताई थी, ये दो टाइप के होंगे, रोडोप्लास्ट हो जाएंगे और
रोटोप्लास्ट। रोटोप्लास्ट हमने बताया था कि रेड एल्गी में होते हैं जो रोटोफाइसी में प्रेजेंट होती है, और फियोफ्लास्ट जो होंगे वो ब्राउन एल्गी में पाए जाएंगे, जो फियोफाइसी में रखा जाता है किसको, ब्राउन एल्गी को। इसके बाद सीधा सीधा क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे थे, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये चीजें आपको आज हमने क्लियर कर दी अबाउट द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, दैट इज द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर खुद का डीएनए होता है और साथ ही साथ क्या होता है इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं। तो ये अपने जैसे जो प्लास्टिड्स होते हैं उनको बनाने में कैपेबल होते हैं। तो ये तो बात इसकी हो गई, नेक्स्ट टाइम हम आपको राइबोसोम्स के बारे में और अदर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बता देंगे। यहाँ से जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।